हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हम सबका फेवरेट आई थिंक बॉलीवुड क्विज। ठीक है, ये जो है पार्ट वन है। बहुत सारे जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने बहुत से रिक्वेस्ट किए थे कि मैं बॉलीवुड पे कुछ क्विज लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो क्विज क्वेश्चंस है वो पसंद आएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरा जो चैनल है वो अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं उनको सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको जो क्विज क्वेश्चंस है वो कैसे लगे। और कोई भी आंसर अगर आपको पता होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से टाइप कीजिए आंसर्स, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा। ये जो क्विज के क्वेश्चंस है, कोई भी जो क्विज कॉम्पिटिशन्स या कौन बनेगा करोड़पति की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और मेरे जितने भी वीडियोस है इस चैनल में, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने नहीं देखे अब तक या जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल या मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ आप सारे वीडियोस देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो वीडियोस हैं, तो आप प्लीज़ सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर वन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, बाय विच नेम डू वी बेटर नो चंद्रमौली चोपड़ा। ठीक है, किस नाम से हम चंद्रमौली चोपड़ा को बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, चंद्रमौली चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। ठीक है, आंसर तो ऑप्शन है बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर या विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, चंद्रमौली, किस नाम से हम चंद्रमौली चोपड़ा को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वो है आंसर जो है इसका वो है रामानंद सागर। ठीक है, रामानंद सागर को हम उनका जो पहले नाम था वो था चंद्रमौली चोपड़ा। ठीक है, रामानंद जो है उनको उनकी मातृदादी ने गोद लिया था। ठीक है, जिनका कोई बेटा नहीं था और उनका जो नाम है चंद्रमौली चोपड़ा से बदलकर रामानंद सागर कर दिया गया था। सागर की जो माँ है, माँ की मृत्यु के बाद उनके जो बायोलॉजिकल जो फादर है उन्होंने पुनर्विवाह किया और उनके साथ आगे बच्चे थे जिसमें विधु विनोद चोपड़ा भी शामिल है। मतलब जो रामानंद सागर के सौतेले भाई कौन है, विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा को हम सब जानते हैं। ठीक है, तो रामानंद सागर इज़ रिलेटेड टू हिम। ठीक है, वो उनके स्टेप ब्रदर है। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा जो है वो रामानंद सागर के स्टेप ब्रदर भी है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन शतरंज के खिलाड़ी लगान, परिणीता, जोधा अकबर, रावण एंड कृष थ्री। आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी लगान, परिणीता, जोधा अकबर, रावण और कृष थ्री में क्या ऐसा कुछ क्या है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, क्या इसमें एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये सारे फिल्मों के नाम हैं और इसको आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस है आशुतोष गोवारिकर, अमिताभ बच्चन या एआर रहमान। तो अगर आपको इसका आंसर अंदाज़ा लग गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर मैं बताना जा रही हूँ तो वो आंसर है अमिताभ बच्चन। ठीक है, आप पूछेंगे अमिताभ बच्चन कैसे, तो फ्रेंड्स ये जितनी भी मूवीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी मूवीज़ हैं उसमें जो स्टोरी नरेशन है वो अमित जी ने किया है। ठीक है, जो संवाद रहता है स्टोरी का जो रहता है वो जो है नरेशन है, लगान भी आपने देखी होगी, जोधा अकबर देखी होगी, कृष थ्री देखी होगी। ठीक है, तो उसमें जो स्टोरी नरेशन है इट इज़ डन बाय अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द पर्सन विद राज कपूर। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सबको पता है ये शोमैन राज कपूर जी है और आपको बताना है कि ये कौन है उनके साथ। तो मैं ऑप्शंस देती हूँ, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गैगरिन या एडमंड हिलेरी। तो इसका आंसर है ये है बी, यूरी गैगरिन। ही इज़ द फर्स्ट मैन टू बी ऑन द स्पेस। ठीक है, वो कौन है, यूरी गैगरिन। ठीक है, और वो बहुत बड़े फैन
थे राज कपूर के, और रशिया में राज कपूर की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 4, हु प्लेड द चाइल्डहुड कैरेक्टर ऑफ सनी देओल इन द मूवी बेताब? फिल्म बेताब में सनी देओल का बचपन का किरदार किसने निभाया था? ठीक है, फिल्म बेताब जो सनी देओल, ठीक है, और अमृता सिंह उस मूवी में थी, तो बचपन का जो सनी देओल का किरदार है वो किसने निभाया था, मास्टर राजू, सोनू निगम या मयूर? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी, सोनू निगम। जी हाँ, जो हमारे सबके फेवरेट सिंगर है सोनू निगम, उन्होंने सनी देओल का जो बचपन का किरदार है वो निभाया था, और इन्होंने कामचोर मूवी में भी काम किया है जो कि 1982 में रिलीज़ हुई थी, ये सोनू निगम है, ठीक है, और बेताब 1983 में रिलीज़ हुई थी, तो दोनों में उन्होंने काम किया था, और बेताब में सनी देओल का जो बचपन का किरदार है वो सोनू निगम ने निभाया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ अक्षय कुमार एंड जॉन एब्राहम इन मूवी गरम मसाला? फिल्म गरम मसाला में अक्षय कुमार और जॉन एब्राहम का पेशा क्या था? पेंटर थे, डिटेक्टिव थे या फोटोग्राफर थे? तो इसका जो सही आंसर है, पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, इसका जो आंसर है वो है सी, फोटोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द एक्ट्रेस, अभिनेत्री की पहचान कीजिए। ये एक अभिनेत्री है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। ये बहुत ही पुरानी एड है, एड में से लिया है, तो आपको बताना है कौन है, परवीन बाबी है, बबीता है या जिनत अमान है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सी, जिनत अमान। ठीक है, ये जिनत अमान है, और ये जो एड है फ्रेंड्स, ये देखिए, लॉन्ग आफ्टर यू लीव इंडिया, इंडिया विल स्टिल बी विथ यू। ये एक एयर इंडिया की बहुत ही पुरानी एड है, पेपर एड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज बॉलीवुड एक्टर्स सरनेम इज नागरथ? बॉलीवुड के इन एक्टर्स का जो उपनाम है नागरथ है, इनमें से कौन से एक्टर है? ठीक है, नील नितिन मुकेश, रणवीर सिंह या ऋतिक रोशन? तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि नागरथ जो सरनेम है नील नितिन मुकेश का है, रणवीर सिंह का है या ऋतिक रोशन का है? तो फ्रेंड्स, ये जो नागरथ जो सरनेम है वो है ऋतिक रोशन का, ठीक है, और नील नितिन मुकेश, ठीक है, नील नितिन मुकेश का जो सरनेम है, ठीक है, उपनाम जो है वो है माथुर, ठीक है, माथुर है, और भावनानी किसका है? रणवीर सिंह का। ठीक है, तो आपको याद रखिए, ये पूछ सकता है क्विज़ में, केबीसी में, कि ऋतिक रोशन का जो सरनेम है वो है नागरथ, नील नितिन मुकेश का माथुर, रणवीर सिंह का भावनानी। क्वेश्चन नंबर 8, विच फर्स्ट फिल्म फ्रॉम द गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड टू हैव इट्स स्क्रीन प्ले एडमिटेड इन द ऑफिशियल ऑस्कर्स लाइब्रेरी इन लॉस एंजलिस? ये बहुत हाल ही की न्यूज़ है, हाल ही की बात है। बॉलीवुड के स्वर्ण युग से कौन सी पहली फिल्म अपनी पटकथा लॉस एंजलिस में ऑस्कर पुस्तकालय में भर्ती की गई है? मदर इंडिया, मुगले आजम या मेरा नाम जोकर? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मुगले आजम। ठीक है, ये हाल ही की न्यूज़ है, मुगले आजम जो रिलीज़ हुई थी 5 अगस्त 1960, और डायरेक्टेड बाय के आसिफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी इन द ईस्टमैन कलर? ईस्टमैन रंग में पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी रही है, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बनी है? शोले, मुगले आजम या किसान कन्या? तो इसका जो सही आंसर है वो है किसान कन्या। ठीक है, किसान कन्या, ये देखिए, किसान कन्या जो है 1937 की हिंदी सिने कलर फीचर फिल्म थी, जिसका निर्देशन मोती बी गिडवानी ने किया था, और इसका निर्माण इम्पीरियल पिक्चर्स के आदेशीर ईरानी ने किया था। ठीक है, यह काफ़ी हद तक भारतीय जनता द्वारा भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म होने का के कारण याद किया जाता है इस फिल्म को। क्वेश्चन नंबर 10,
Which app has been launched by Sonu Sood to provide job opportunities across the country for migrant workers in India? भारत में प्रवासी कामगारों के लिए देश भर में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार, रोजगार भारत या प्रवासी जन कल्याण? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है प्रवासी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ दीज बॉलीवुड मूवी हैड टू इंटरवल्स? तो इसमें से बॉलीवुड जो ये बॉलीवुड मूवीज है इसमें दो इंटरवल्स थे, बीच में जो अंतराल होते हैं दो है, संगम, शोले या मदर इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ए, संगम। ठीक है, संगम मूवी में दो इंटरवल्स थे और इसके अलावा एक और मूवी है जिसमें दो इंटरवल्स थे वो है मेरा नाम जोकर। ठीक है, मेरा नाम जोकर जो है और संगम, ये दोनों ऐसी फिल्म है जिसमें दो इंटरवल्स थे। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वॉज द रियल एज ऑफ अनुपम खेर व्हेन ही प्लेड द 65 ईयर ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल इन द मूवी सारांश? अनुपम खेर की असली उम्र क्या थी जब उन्होंने फिल्म सारांश में 65 साल पुराने स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी? तो वो थे 42 इयर्स के, 28 इयर्स के या 29 इयर्स के? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है वो सिर्फ 29 इयर्स के थे और उन्होंने जो भूमिका निभाई थी एक स्कूल प्रिंसिपल की जो कि 65 साल की उम्र की भूमिका उन्होंने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द मूवी, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस मूवी से लिया गया है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल या गाजी अटैक? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ये है बी, गुंजन सक्सेना। ठीक है, वायुसेना में एक पायलट रह चुकी है, पहली भारतीय महिला पायलट, मतलब युद्ध में पहली भारतीय महिला पायलट गुंजन सक्सेना पर ये जो मूवी है वो आधारित है, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ दिस क्रिकेटर वॉज इन द मूवी खेल? इनमें से कौन सा क्रिकेटर फिल्म खेल में था? ठीक है, एक मूवी आई थी खेल, तो आपको बताना है कि उसमें कौन था, विनोद कामली, अजय जडेजा या जहीर खान? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है अजय जडेजा। ठीक है, ये मूवी है, ठीक है, खेल मूवी में अजय जडेजा, और एक और मूवी आई थी पल पल दिल के साथ, तो उसमें भी अजय जडेजा थे और पल पल दिल के साथ में विनोद कामली भी थे उनके साथ, पर जो खेल मूवी में कौन थे, अजय जडेजा। क्वेश्चन नंबर 15। हु प्लेज रोल ऑफ गॉड इन द मूवी गॉड तुसी ग्रेट हो? फिल्म गॉड तुसी ग्रेट हो आई थिंक सभी ने देखी होगी, तो इसमें भगवान की भूमिका कौन निभाता है, परेश रावल, अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार? तो फ्रेंड्स उसमें गॉड की जो भूमिका है गॉड तुसी ग्रेट हो में अमिताभ बच्चन ने निभाया है। क्वेश्चन नंबर 16। बाय विच अदर नेम डू वी बेटर नो कोटला सुल्तान सिंह? किस दूसरे नाम से हम कोटला सुल्तान सिंह को बेहतर तरीके से जानते हैं, किशोर कुमार, मन्ना डे या मोहम्मद रफ़ी? इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंसर है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा और इसका जो आंसर है मैं बताने जा रही हूँ वो है मोहम्मद रफ़ी। ठीक है, मोहम्मद रफ़ी का जो असली नाम था वो था कोटला सुल्तान सिंह। क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहली भारतीय अभिनेत्री को का जो पुरस्कार है वो किसने जीता था, नरगिस, वहीदा रमान या सुचित्रा सेन? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है सी, सुचित्रा सेन। अभिनेत्री सुचित्रा सेन पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस अभिनेत्री को 1963 में रिलीज हुई फिल्म सात पाके बांधा में अपने उल्लेखनीय काम के लिए मॉस्को फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ट्रॉफी प्रदान किया गया था। तो यह है सुचित्रा सेन। क्वेश्चन नंबर 18। विच एक्टर हैज प्लेड मोस्ट डबल रोल इन बॉलीवुड मूवीज? ठीक है, किस अभिनेता ने बॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज़्यादा दोहरी भूमिकाएं निभाई है, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन या जितेंद्र? ठीक है,
ये भी अगर आंसर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप कीजिए। इसका जो आंसर है मैं बताने जा रही हूँ वो है अमित जी, अमिताभ बच्चन बी। ठीक है, तो कौन सी फिल्में हैं, बंदे हाथ, अदालत, कस्मे वादे, डॉन, द ग्रेट कैमलर, देश प्रेमी, सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल, तूफान, आखिरी रास्ता, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सूर्यवंशम। ठीक है, तो ये सारी जो मूवीज़ हैं ये अमिताभ बच्चन की है और उन्होंने डबल रोल निभाए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्टर वॉज नोन एज जुबली कुमार, किस अभिनेता को जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार या शशि कपूर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बी, राजेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द एक्टर, आपको आइडेंटिफाई करना है जो एक्टर है ये कौन है। तो यह है रणवीर सिंह, अभिषेक बच्चन या अर्जुन कपूर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ए, रणवीर सिंह, फिन 83। ठीक है, जो कि उन्होंने कपिल देव का जो किरदार है वो निभाया है। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।